लग रही है ना एकदम यम्मी और टेस्टी बिरयानी। आपको यकीन नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन मैंने आपको थंबनेल में दिखा दिया है कि यह बिरयानी मैंने 10 मिनट में रेडी की है। हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 10 मिनट में, और इसे मैंने रेडी किया है कुकर में। और कुकर में बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है और 10 मिनट में ये रेडी हो जाती है। जब भी आपके घर पे अचानक गेस्ट आ जाए और आपके पास ऐसा कुछ ना हो कि क्या बनाए उसके लिए, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि 10 मिनट में ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता आज आपके साथ एक न्यू रेसिपी लेके आ गई हूँ। आज हम बनाएंगे कुकर में वेज बिरयानी। वैसे तो मैंने वेज बिरयानी का एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे डाल दिया है, लेकिन ये बिरयानी हमने रेडी की है कुकर में, तो ये एकदम अलग स्टाइल में मैंने रेडी की है। तो आप वीडियो को एंड तक पूरा देखें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों बिरयानी में क्या क्या फ़र्क है। सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे मैंने 1 कप बासमती चावल लिए हैं। ये वाले बाउल से मैंने मेजरमेंट की है ये चावल की। यहाँ पे मैंने बड़े वाले बासमती के चावल लिए हैं। इसमें मैं 1 ग्लास वाटर डाल लूँगी और इसे अच्छे से भिगो के 10 मिनट तक रेस्ट करने लूँगी। और उसके बाद हमें 3 पानी से ये चावल को वॉश करना है, उसके बाद इसे यूज़ करना है। यहाँ पे 1 ग्रीन मिर्ची ली है मैंने, 1 रेड मिर्ची, करी लीव्स लिए है थोड़े से, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 इलायची, 3 काली मिर्च ब्लैक पेपर, 3 लौंग एंड 1 तमालपत्र। यहाँ पे मैंने 1 कप तुअर दाल को 1/2 आवर तक भिगो के रखा था 1 ग्लास वाटर में। इसे इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे 1 कप मटर के दाने लिए हैं मैंने, 1 कप फंसी मतलब फ्रेंच बीन ली है। आपको ये पसंद हो तो आप डाल सकते हो। 1 कप कैप्सिकम बारीक काटे हुए, 1 प्याज ऑनियन जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, 1 कप गाजर कैरोट। यहाँ पे मैंने 1 कप टोमेटो लिया है जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं, थोड़ा ड्राई फ्रूडीना लिया है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून बिरयानी का मसाला सुहाना बिरयानी मसाला, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन एंड मिर्ची की पेस्ट। ये पेस्ट मैं हमेशा बना के रखती हूँ और इसे मैं स्टोर करके फ्रीज में रखती हूँ। फ्रेंड्स, इसका सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है। ऑयल लेंगे, अभी हम एक कुकर ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून जितना ऑयल। यहाँ पे मैंने फॉर्च्यून ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद जो जो हमने खड़े मसाले लिए थे उसे इसमें ऐड कर देंगे। करी लीव्स, मिर्ची, रेड मिर्ची, ग्रीन मिर्ची को इस तरह से काट के डालेंगे। अगर इसे पूरा डाल दिया तो ये बराबर से होगी नहीं। यहाँ पे मैंने प्याज जो बारीक काट लिए थे उसे डाल देंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक इसे भुनेंगे, जिससे कि हमारी बिरयानी मीठी ना लगे। अभी हम इसमें जिंजर गार्लिक एंड मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये पेस्ट का वीडियो आप मेरी चैनल पे देख सकते हो। फुडीना लिया है, ड्राई फुडीना मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। कैरोट, गाजर के टुकड़े, मटर के दाने। फ्रेंड्स, आप कोई भी वेज इसमें डाल सकते हो, आपके घर में जो अवेलेबल हो उसे आप इसमें ऐड कर सकते हो। फ्रेंच बीन्स डाल दिए मैंने, नमक 1 टेबलस्पून जितना, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, तूर दाल
तुअर दाल को थोड़ा पकने में टाइम लगता है, इसलिए हमें इसे पहले ही डालना है। कैप्सिकम, टमाटर, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेड मिर्ची पाउडर डालेंगे, धनिया जीरा पाउडर, अभी हमें कुकर की जो ढक्कन है उसे ऐसे उल्टा करके 5 मिनट या फिर 2 से 3 मिनट तक इस तरह से ढक के इसे पकाना है। अभी हम लास्ट में इसमें डालेंगे बिरयानी का मसाला, सुहाना बिरयानी मसाला लिया है यहाँ पे मैंने। फ्रेंड्स याद रखिए, वेज बिरयानी में हमें मसाला बाद में ही डालना है। अभी हम इसमें जो बासमती चावल हमने लिए थे उसे डाल देंगे। इसे मैंने 3 पानी से वॉश कर लिया है, इसके बाद इसे इसमें डालना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले हल्के हाथों से। बिरयानी बनाने टाइम ऐसे प्लास्टिक का अच्छे से मिक्स कर ले, ये टूटने नहीं चाहिए राइस हमारे। अभी हम इसमें 2 ग्लास वाटर डाल देंगे। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। एक बार इसे चेक कर लेंगे, पानी को हाथ पे लेके इस तरह से चेक कर लेंगे कि इसमें हमने जो सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो बराबर है। अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो इसमें आप ऐड कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और नमक डाल रही हूँ। इसके बाद इसे हमें बंद करके 3 से 4 सीटी बजने तक छोड़ देना है। और 3 सीटी बजने के बाद, इसे ठंडा होने के बाद हमें खोलना है। जब तक इसमें से सारी हवा निकल ना जाए तब तक इसे खोलना नहीं है। तो रेडी है हमारी वेज बिरयानी। आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। तो सर्व करते हैं इसे। आप रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, करी के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ ये बहुत अच्छे से लगती है, या फिर दही के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। आप देख सकते हो कितनी कलरफुल एंड टेस्टी बिरयानी बनके रेडी हुई है, वो भी सिर्फ 10 मिनट्स में। और हमारे चावल भी बहुत ही खिले खिले बनके रेडी हुए हैं। फ्रेंड्स इसी तरह से आप भी घर पे वेज बिरयानी ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरी यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।